था माँ जैसी बन गया, थके थे नहीं हो? अरे जेड़ा बंदा थक गया खड़ा है जी, मुझे पानी, चलो मैं पानी पी लेता हूँ अगर इजाजत देते हो। आले तो मैं गाली नहीं छेड़ी, वतूबु इलल्लाह, अभी तो मैं उस बात पे नहीं आया हूँ। अरे बाबा ये तो ट्रेन ऐसी है कि कभी वो स्टेशन कभी वो स्टेशन, सारे जन्नत के स्टेशन। हम तुम्हें जन्नत के स्टेशनों की सैर करा रहे हैं। किराची से इस्लामाबाद जाओ, ढाका से चिटागांव जाओ। मैं एक दफा झाटा से चिटागांव ट्रेन में गया, ट्रेन का नाम था मोहनगर। जिंदगी में बड़े सफर किए, उस मोहनगर ट्रेन में मैंने ढाका से चिटागांव का सफर किया। उस ट्रेन में एक डिब्बा मस्जिद है, अजान होती है नमाज होती है, जिसको तुम इस्लाम का किला कहते हो पाकिस्तान, वहां मैंने किसी ट्रेन में मस्जिद का डिब्बा नहीं देखा, अजान होती नहीं सुनी। क्यों भाई? ये हमारे बांग्लादेशी भाई तो है कि मुकद्दर में ट्रेनें भी ऐसी हैं जिनमें अजान होती है, इमाम मुकर्रर है ट्रेन में जमात हो रही है। हमारे पीआईए में तो तुम नमाज पढ़ो ना तो वो खालाएं मासियां जो अंदर फिर रही होती है कहती है रास्ता दो, बड़े आए नमाजी जहाज के अंदर नमाजें शुरू कर देते। मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, अजान आ गई, ढाका से चिटागांव में जा रहा था। तबलीगी जमात के एक बड़े बुजुर्ग थे, बांग्लादेश के अमीर थे, हाजी अब्दुल मुकीस साहब, अल्लाह उनको बड़ी करामत फरमाए, फौत हो गए, मेरे साथ बड़ी शफकत फरमाते थे। मैं जब भी ढाका जाता था पहले मुझे तबलीगी मरकज ककराई में ले जाते थे। ककराई में तबलीगी मरकज में मैंने फजर की नमाजें भी पढ़ा, वहाँ मदरसा है फसका में, उसके इम्तिहान के लिए भी गया। तो हजरत हाजी साहब शफकत फरमाते थे, मुझे कहने लगे जहाज में मत जाओ, ट्रेन में जाओ, जमात से नमाज मिल जाएगी। तो हमने मगरिब की नमाज उस ट्रेन में पढ़ी, जमात भी, मालूम हुआ कि इमाम भी है, अजान हो रही। अल्लाह करे हमारे मुल्कों में भी हो जाए, लेकिन साढ़े मुल्क आ लेते आते नहीं, इस्लामाबाद जो मस्जिदें ही पटो, वो ट्रेनों में कहाँ मस्जिदें बनाएंगे, वो तो कहते हैं जो सड़कों पे मस्जिदें खड़ी है ये भी उड़ा दो। दुआ करो अल्लाह इनको हिदायत। وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, सारे मेरी तरफ देखो। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, तुसी नहीं थके हो, हमारे आपू साहब कह रहे हैं चाय तैयार है। इसका मतलब है कि आखिरी चीज जो कि हमारे यहाँ चाय होती है, हाँ नहीं जाना तो भी जाओ। وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, تم سارے میری طرف دیکھو۔ خطاب خاص صحابہ کو مانا عام۔ میں نے کہا اللہ میاں وہ تو سارے تجھے دیکھنے والے ہیں, تو ان کو کہہ رہا میری طرف دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے کالے رنگ والا بلال دیکھتا ہے میری رحمت کا سمندر جوش میں آیا تھا۔